जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को डिस्कस करा था और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी लगाया था। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि आज का जो ये सेशन है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का दूसरा क्लास है और इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को डिस्कस करा था और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए, आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। आप कहेंगे गुरुजी, नीचे में तो कोई हमारा परिपथ ही नहीं दिया गया है। तो मेरे मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम परिपथ बना लेते हैं। आपके इस क्वेश्चन का जो सर्किट था वो कुछ इस तरीके का था। ध्यान में रखेंगे कि दो रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ये जो है सर, ये जो है ये 4 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या है सर, अटैच। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस दोनों ही रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो सर 2 ओम और 2 ओम है, यानी कि 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 4 वोल्ट बैटरी के साथ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि परिपथ से बहने वाली कुल धारा का मान क्या होगा, बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कैसे? तो आप सभी कहेंगे कि सर जी, चूंकि जो हमारा रेसिस्टेंस है 2 ओम और यहां पे जो हमारा दूसरा रेसिस्टेंस है 2 ओम का, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो हमारा टोटल प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी 4 ओम हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपका विभवांतर या विभव है वो कितना है, गुरुजी 4 वोल्ट है। आपसे पूछा जा रहा है कुल धारा का मान क्या होगा। आपको मैंने कल के सेशन में ही बताया है कि धारा इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं, तो सर V/R लेते हैं। वोल्टेज कितना है सर, 4, प्रतिरोध कितना है 4, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? आप कहेंगे गुरुजी धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो मेरे मित्र, इस तरह के कई प्रश्न आपके रिसेंटली रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम हॉल से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। आप माइंड गेम खेल करके क्या करो सर, तो आंसर निकाल दो। आप कहेंगे सर माइंड में कैसे सॉल्व होगा, चला इसमें क्या है ये बताओ, 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कहोगे सर 4 ओम प्रतिरोध हो गया टोटल, 4 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कहिएगा कि सर जो हमारा विभवांतर या विभव है और जो प्रतिरोध है इसका अनुपात ओम के नियम से क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, तो अनुपात कितना निकलेगा, सर जी 1 निकलेगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही सरल सा आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल सा सवाल है। ध्यान में रखेंगे कि यहां पे फिर से विभवांतर दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना है प्रतिरोध, तो सर प्रतिरोध है हमारा 4.2 ओम, साथ ही विभव कितना है, तो आप कहेंगे गुरुजी 220 वोल्ट। क्या पूछा जा रहा है, आई, तो क्या कहिएगा गुरुजी, आई इक्वल टू हो जाएगा V/R और 220 बटा हम लोग क्या करेंगे 4.2 कर देंगे। मेरे मित्र यहां से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 जीरो हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 52.38 के समथिंग आएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो परेशान नहीं होना है कि सर इसी फॉर्मूला पे आ रहा है, इसीलिए ताकि आप सीख सको और जब भी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाए तो आपका माइंड जो है वो भटक ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होती है। ध्यान में रखेंगे ये धारा आई प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगा।
मेरे मित्र बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा कितना है आपका I, और कहा जा रहा है कि यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध क्या कर दिया जाए सर, 4 गुना कर दिया जाए, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम सबों को मालूम है कि भी इक्वल टू क्या होता है, आप कहिएगा सर जी आई आर होता है, क्या होता है आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बटा आर हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बटा आर। रिलेशन को समझो चिल्ला, यहाँ पे रिलेशन क्या है, तो सर जो आई है विद्युत धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आई जो है वो प्रतिरोध के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर सर प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध हमारा क्या होगा घटेगा, प्रतिरोध हमारा घटेगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आई जो है वो बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो जो विद्युत धारा है उसका मान बढ़ जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसी तरह से अगर हम आपको ये कहें कि अगर आर का मान बढ़ा दें, आर का मान बढ़ा दें, तो आप झट से कहेंगे कि गुरुजी धारा का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा, धारा का मान क्या होगा घट जाएगा। ये चीज आप सभी समझ रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल समझ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में आई प्रवाह धारा आई प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए, यानी कि मान लीजिए कि कोई आपका चालक तार है, इससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कब, जब इसकी प्रतिरोध आर है, तो ओम के नियम से आप कहेंगे सर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बटा आर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि अगर प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए सर 4 गुना कर दिया जाए, यानी कि नया प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू कितना कर दिया जाए 4R कर दिया जाए, तब जो है धारा का मान क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी जो नया धारा आई डैश इक्वल टू होगा हमारा वो विभवांतर तो सेम रहेगा भी बटा आर डैश हो जाएगा। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी भी तो रहेगा ही रहेगा, आर डैश के बदले हम लोग 4R लिखेंगे यहां पे, और क्या कहिएगा कि सर जी 1/4 इंटू क्या हो जाएगा भी बटा आर, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर भी बटा आर, भी बटा आर क्या है, तो सर जब आई धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध आर है, तब जो हमारा विद्युत धारा है वो भी बटा आर है, तो हम भी बटा आर के जगह क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे आई लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र भी बटा आर के जगह आई लिखो और 1 है तो आप क्या कहेंगे आई ही हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, आप कहेंगे प्रवाहित धारा का मान आई बटा 4 हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी इतना करने की क्या जरूरत थी, हम तो इसको आसान वे में भी बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को लाने में आप सभी क्या होते तो थोड़ा सा उठा पटक करते, क्या करते सर थोड़ा सा उठा पटक करते कि ये आई बटा 4 कैसे आ गया। अब चीजें आपके पास क्रिस्टल क्लियर है तो आप कहेंगे कि सर अब हम समझ रहे हैं कि अगर प्रतिरोध का मान क्या होगा बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा, कैसे, तो यहां पर सर जी प्रतिरोध को 4 गुना बढ़ा दिया गया तो धारा का मान क्या हो गया, तो सर जी धारा का मान जो है वो आई बटा 4 यानी कि 1/4 हो गया। और अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर प्रतिरोध का मान बढ़ जाए तो धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध 4 गुना बढ़ रहा है तो आई इक्वल टू भी बटा आर हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है तो आई इक्वल टू भी बटा 4R हो जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है कि जो विद्युत धारा का वैल्यू आएगा सर उसको तो 4 से डिवाइड करना होगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है चिला जी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 10 ओम और साथ ही साथ 15 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो मेरे मित्र आप ये देख लीजिए इसका जो डायग्राम होगा वो किस तरह का होगा, आप सभी थोड़ा सा यहां पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरीके का बनेगा। दो प्रतिरोध हमने लिया और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, एक का मान कितना है गुरुजी 10 ओम, दूसरे का मान कितना है 15 ओम। क्या कहा जा रहा है कि इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मेरे मित्र इसको हम 3 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिए। अब आपसे यह कहा जा रहा है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी, बताइए ना सॉल्व होगा, पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहोगे,
कि गुरुजी पहले तो हमें टोटल प्रतिरोध निकालना होगा और फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, आंसर हमारे हाथ में होगा। बिल्कुल मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि चूंकि यहां पे 10 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध हैं और दोनों क्या हैं सर, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो एक को मान लेते हैं R1, दूसरा को मान लेते हैं R2। आप सभी क्या कहोगे, आप सभी कहोगे कि सर अगर हम लोग यहां पे आरपी निकालेंगे तो कहेंगे R1 into R2 बटा R1 plus R2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए जी आरपी इक्वल टू हम लोग R1 into R2 क्या कहिएगा, 10 गुना 15 और फिर 10 प्लस 15, 10 गुना 15 फिर 10 प्लस 15, 15 दहाई के 150, 15 10 25, 25 छाके सर 150 होता है। मेरे मित्र टोटल जो प्रतिरोध है आपके परिपथ की वो कितना आ गया सर जी, 6 ओम आ गया। कितना आ गया, 6 ओम आ गया। और भाई मेरे आपका यहां पे कितने वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है सर, 3 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है धारा I इक्वल टू आप कहेंगे V बटा R, V कितना है 3 वोल्ट, R कितना है आपका टोटल 6, 3 एकम 3, 3 दुना 6, ये कितना हो जाएगा सर जी 0.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र क्या अब आपको इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत होगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होगी। आइए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट है प्रति इकाई है, प्रति इकाई समय है, हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में आकर्षित धारा कितनी होगी। मेरे मित्र ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं, ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कलर यहां पे हमें अलग लग रहा है ना, ठीक है। अब आप सभी ध्यान में रखेंगे ये सवाल आपको फंसा सकते हैं, चूंकि अभी तक हम लोगों ने जो विद्युत धारा निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ ओम के लॉ को यूज करके हम लोगों ने निकाला है कि सर आई इक्वल टू वी बटा आर होता है, इसी तरीके से हमने निकाला है। लेकिन यहां पे जो सवाल पूछे गए हैं उसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो सर इसमें विद्युत शक्ति दिया हुआ है और मैंने विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आपको नहीं बताया है। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी स्पेशल हिंट के रूप में आप सभी याद रखेंगे कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम लोग पहले इसी फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे होंगे अगले सेशन में। तो अभी आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि P इक्वल टू क्या होता है, भी आई होता है, जहां पे P क्या है। तो आप सभी ध्यान देना कि P जो है वो विद्युत शक्ति है, P क्या है विद्युत शक्ति है, भी आप सभी ध्यान में रखेंगे विभव या विभवांतर इसको हम लोग बोलेंगे, और I क्या है तो आप कहेंगे सर जी धारा है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट है प्रति इकाई समय है, हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में आकर्षित धारा कितनी होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि P इक्वल टू वी आई होता है इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे कि जो हमारा हीटर है उसकी शक्ति 500 वाट है। बिल्कुल चला जी। तो आपका विभवांतर कितना है सर, 250 और आई आपको निकालना है, 250 दुना 500 हो जाता है। आप आई इक्वल टू क्या कहोगे गुरुजी, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि विद्युत धारा न सिर्फ हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं बल्कि हम लोग जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पी इक्वल टू वी आई का उपयोग करते हैं सर, इससे भी क्या कर सकते हैं विद्युत धारा निकाल सकते हैं। और यही चीजें आपको सीखनी है कि विद्युत धारा निकालने के लिए हमारे पास I इक्वल टू क्यू बाई टी और भी I इक्वल टू वी बटा आर ही सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, हम यहां पे विद्युत धारा का फॉर्मूला I इक्वल टू पी बाई वी भी कह सकते हैं। डिपेंड किस पे करेगा कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा कितनी होगी। बताइए, अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे P दिया हुआ है 30 वाट, कितना दिया हुआ है 30 वाट, और साथ ही साथ वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, आई क्या होगा, आई इक्वल टू पी बाई वी। अभी जस्ट आपने देखा है चेला यहां पे आई इक्वल टू क्या हमने बताया, पी बाई वी। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे P हमारा 30 वाट है और V हमारा कितना है 12। अब आप इसको अगर सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 12 आर है तो 30 हो जाएगा, 12 आर है कितना हो जाएगा 30। तो ये आपका जो धारा हो जाएगा वो 2.5 एम्पियर किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर C में है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा सर, आपसे पूछा जा रहा है कि 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त तीनों उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरु जी क्वेश्चन तो बहुत लंबा है। मेरे मित्र ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको लंबा देखने को मिल रहा है, लेकिन सॉल्व जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बहुत ही मतलब कह सकते हो सुलझा हुआ क्वेश्चन है। आप कहेंगे कैसे, तो आपसे सवाल करा जा रहा है कि 40 ओम 200 ओम और साथ ही साथ 400 ओम प्रतिरोध का कोई आपका उपकरण है तीन, जो कि समांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से जुड़ा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त तीन उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है। मतलब क्या कि ये तीनों उपकरण जो आपका समांतर क्रम में संयोजित है, तो उससे जितना धारा बह रही है उतना ही धारा जब किसी आयरन को 220 वोल्ट विभवांतर के साथ जोड़ा जाता है तो वो आयरन क्या करती है, उतना ही धारा लेती है। आपसे ये पूछा जा रहा है तो आयरन का प्रतिरोध क्या है और उससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब ये 40 ओम 200 ओम और साथ ही साथ 400 ओम प्रतिरोध वाला जो हमारा संयोजन है उसके बराबर आयरन क्या करती है, विद्युत धारा लेती है, तो कहीं ना कहीं हमें इस संयोजन से क्या करना होगा। आप कहेंगे सर इस संयोजन से हमें विद्युत धारा निकालना होगा कि आखिर इस संयोजन में जो हमारा विद्युत धारा है वो कितना फ्लो हो रहा है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर चूंकि हमारा R1 जो है वो 40 ओम है और R2 जो है वो कितना है, 200 ओम है, और साथ ही साथ R3 जो है वो कितना है, तो सर जी 400 ओम है, और ये तीनों समांतर क्रम में कितने वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, सर जी 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है, तो V इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 220 वोल्ट। क्या कहोगे कि सर 1/RP इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/40 बटा 1/ प्लस 1/200 और फिर क्या हो जाएगा 1/400। 40 40 200 और 400 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 40 से कम 40 से हो जाएगा, 40 पंचा 200 और 40 दहें 400, 5 से फिर लगा दीजिए 5 दूना 10, 40 5 दूना 10 और 40 दहें 400। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वैल्यू 400 हो जाएगा और 10 और ये यहां पे क्या होगा, तो सर 200 दूना 400 और फिर ये क्या हो जाएगा सर 400 एकम 400, 400 डिवाइड करेंगे ये आपका इतना ही होगा, यानी कि ये हो गया आपका 13/400। याद रखेंगे 1/RP इक्वल टू ये हो जाएगा 13/400, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी RP इक्वल टू हो जाएगा 400/13। मेरे मित्र आपको क्या निकालना है, तो सर इस संयोजन से कितना इस संयोजन से कितना धारा बह रही है ये चीज हमें निकालना है। तो चले जी हम लोग I इक्वल टू क्या कहेंगे कि गुरुजी V/R, यहाँ पे V आपका कितना है, तो सर 220 वोल्ट, तो यहां पे 220 बटा हम लोग क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे सर R का वैल्यू यहां पे 400/13 है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग इसको पलटेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसको यहां पे पलटेंगे, अगर हम लोग पलटेंगे तो जो वोल्टेज है हमारा वो तो 220 यहां पे रहेगा ही रहेगा और R 400/13 होगा, तो सर गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 13/400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/400 हो जाएगा। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा हमारा, और ध्यान देंगे कि 11 दूना 22 हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका 11 से काट क्यों रहे हैं हम इसको, दो से काटेंगे, 11 दूना 22 और 20 दूना 40, ठीक है। अब यहाँ पे 13/143/20 ये आपका लगभग कितना आएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि 13/20 है, 20/40 से, हाँ 20, अच्छा एक बार इसको कर ही लेते हैं सर, आपका ये 143 डिवाइडेड बाई 20, 20/40 से 140 ये कटेगा, 3 पॉइंट डालिए सर 0। अब आप क्या कहेंगे सर 20 एकम 20, और मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा 10 20 5 100, यानी कि जो धारा का मान आ रहा है चिला, धारा का मान आ रहा है वो कितना 7.15 एम्पियर, 7.15 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि
मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त तीनों उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है। मतलब क्या कि जितना इस संयोजन से धारा बह रही है उतना ही सर जब किसी आयरन को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जा रहा है तो वो क्या करता है सर, धारा लेता है। तो ये स्रोत 7.15 एम्पीयर धारा ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आयरन का भी धारा, आयरन कितना धारा लेगा? आप कहेंगे गुरुजी 7.15। तो मेरे मित्र एक चीज तो आपका आंसर निकल गया है कि जो आयरन है, जो आयरन है उसका जो धारा का मान होगा यानी कि आयरन से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा वो कितना होगा, 7.15 एम्पियर होगा। कितना? 7.15 एम्पियर होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि आयरन का प्रतिरोध भी आपको मालूम करना है। भाई मेरे, आयरन को 220 वोल्ट के साथ जोड़ा जा रहा है और इससे प्रवाहित धारा 7.15 एम्पियर है, तो क्या प्रतिरोध नहीं निकाल लेंगे? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप कहिएगा कि सर प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, तो सर प्रतिरोध जो है वो हमारा भी बटा आई हो जाएगा, भी बटा आई हो जाएगा। मेरे मित्र विभवांतर आपका कितना है, 220, क्योंकि आयरन को भी 220 वोल्ट के साथ ही जोड़ा जा रहा है और आपका जो धारा का मान है वो कितना है, 7.15। पॉइंट हटाइए यहां से, आप कहेंगे सर ऊपर में हमारा 20 चला जाएगा। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका कितना आएगा, तो सर लगभग आपका 30.77 के समथिंग आ जाएगा, 30.77 के समथिंग आ जाएगा। तो आयरन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 7.15 एम्पियर और साथ ही साथ इसकी जो प्रतिरोध होगी वो कितनी होगी सर, 30.77। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में 5.15 एम्पियर है, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 7.15 एम्पियर और साथ ही साथ 30.77 है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए सर। मित्र अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग सिर्फ विद्युत धारा को ही मिली एम्पियर में नहीं मापते हैं, वोल्टेज को भी हम लोग मिली में माप सकते हैं, प्रतिरोध को भी माप सकते हैं, और जब यूनिट सेम दिया हुआ रहे तो हमें यूनिट परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। क्या कहेंगे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे जो प्रवाहित धारा है वो कितना है सर, 15 मिली एम्पियर। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे वोल्टेज जो है वो है 3.0 एमवी और साथ ही साथ जो हमारा प्रवाहित धारा है वो कितना है, 15 मिली एम्पियर। क्या पूछा जा रहा है सर जी, आर पूछा जा रहा है, बताओ नहीं सॉल्व होगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या लिखिएगा? आप कहेंगे भी बटा आई लिखेंगे। 3 बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 3 बटा हम लोग 15 लिखेंगे। मेरे मित्र 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और 1/5, आप कहेंगे 0.2। क्या? 0.2 मिली ओम। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में 2.0 है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 0.2 मिली ओम है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है, पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, बताइए। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या इस सवाल के लिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर P इक्वल टू वी आई होता है। अब यहां पर जो पंखे की शक्ति है वो 10 वाट है और वोल्टेज 20 वोल्ट है आपका। आई आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहोगे? 10 एकम 10, 10 दूना 20, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि आपका 0.5 एम्पियर। किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई आपका 50 वोल्ट के विभवांतर पर कोई उपकरण जो है वो 5 एम्पियर की धारा लेता है, लेकिन जब विभवांतर को 110 वोल्ट कर दिया जा रहा है तो आपको बताना है कि इसका धारा क्या होगा। मेरे मित्र सेम अप्लायंसेस का यूज किया जा रहा है, यानी कि जो आपका विद्युत उपकरण है वो सेम है
जिसको एक बार 50 वोल्ट विभवांतर पे लगाया जा रहा है तो 5 एम्पीयर का धारा ले रहा है, और कह रहा है कि इसी इसी उपकरण को अगर 110 वोल्ट के विभवांतर पर लगाया जाएगा तो कितना धारा लेगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे एक चीज तो इस उपकरण का सेम रहेगा, वो क्या? तो सर वो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि उपकरण नहीं चेंज किया जा रहा है, सिर्फ विभवांतर को बढ़ाया या घटाया जा रहा है। आप कह सकते हो कि विभवांतर को परिवर्तित किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ओकर प्रतिरोधवा तो सेम ही ना रहेगा। और मेरे मित्र, जब आप इतना सोच रहे हो कि प्रतिरोध सेम ही रहेगा, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम मान लेते हैं कि यह हमारा उपकरण है और इसको जो है जब 50 वोल्ट विभवांतर के साथ जोड़ा जा रहा है तो यह कितना धारा ले रहा है? 5 एम्पियर की धारा ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, प्रतिरोध R इक्वल टू V बटा I होता है। तो प्रतिरोध आपका 50 बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 5। कितना हो गया सर? प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा। मेरे मित्र, अब क्या कहा जा रहा है कि सर इसी उपकरण को आपको जब 110 वोल्ट के विभवांतर के साथ जोड़ा जाए तब यह कितना धारा लेगी? तो आप क्या कहेंगे कि सर सेकेंड स्टेज में हम लोग कहेंगे कि प्रतिरोध तो हमारा 10 ओम ही रहेगा और विभवांतर हमारा कितना होगा? तो सर बढ़ा करके 110 वोल्ट। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब इसी उपकरण को 110 वोल्ट के विभवांतर के साथ जोड़ा जाएगा तो प्रवाही धारा का मान? आप कहेंगे गुरुजी I इक्वल टू हम लिखेंगे V बटा R। V कितना है आपका? आप कहेंगे 110। R कितना है? 10। ये जीरो कैंसिल। I इक्वल टू कितना हो गया? 11 एम्पियर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र, जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले तो बस वहां पे ये देख लेना कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। यहां पे क्वेश्चन बहुत ही सुलझा हुआ है। ये कह रहा है कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनल पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। मतलब आपका कोई विद्युत उपकरण है, उसको 50 वोल्ट विभवांतर के साथ जोड़ा गया तो उससे प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर है। कह रहा है कि एकरे अगर 110 वोल्ट के साथ जोड़ देंगे तो आप कहेंगे सर प्रतिरोधवा तो दोनों स्थिति में सेम ही रहेगा। तो हमने क्या किया सर? पहले प्रतिरोध निकाल लिया और फिर 110 वोल्ट के साथ उसको कैलकुलेट कर लिया। कितना आंसर आया? 11 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है, इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी? मेरे मित्र, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं कि फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी। आप सबों को मालूम है कि फ्यूज जो है वो आपके परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है और प्रत्येक फ्यूज की अपनी अपनी रेटिंग होती है। जैसे अगर आप 5 एम्पियर का फ्यूज खरीद रहे हो तो उससे 5 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित होगी तो वो गल जाएगा। अगर आप 15 एम्पियर का फ्यूज खरीद रहे हो और उससे 15 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित होगी तो वो क्या होगा? गल जाएगा। तो सवाल ये है कि सर किसी भी फ्यूज का हम रेटिंग कैसे निकालेंगे? मेरे मित्र, फ्यूज का जो रेटिंग है वो हम लोग P इक्वल टू VI से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। मेरे मित्र, यहां पे जो 1.5 kW है यह आपका वाट में कितना होगा? आप कहेंगे सर 1500 वाट। कितना होगा सर? 1500 वाट। और मेरे मित्र, इसको कितना वोल्ट पे जोड़ा जा रहा है? सर जी 240 वोल्ट पे जोड़ा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रयुक्त फ्यूज है इसकी तार की रेटिंग क्या है? आप कहेंगे कि सर फ्यूज तार की रेटिंग निकालने के लिए हम लोग P इक्वल टू VI का उपयोग करेंगे और P हमारा कितना है? 1500 वाट। वोल्टेज कितना है? 240 गुना क्या हो जाएगा? I। और हम कहेंगे कि सर 1500 / 240। मेरे मित्र, ये जीरो और ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या ये आपका कटेगा? ये आपका कटेगा। आप सभी कहेंगे कि सर 75 × 150 हो जाएगा और 12 × 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे मित्र, 75 और 12 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान देंगे, बरछा के 72 हो जाएगा और 12 × 7 = 84 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 12 × 7 = 72 ही लगाते हैं हम लोग। 5 में से 2 गया 3, ये कट गया। यहाँ पे पॉइंट डालो, क्या कहिएगा आप? 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। यहाँ पे सर 6 आएगा, पॉइंट डाले हैं। 12 × 5 = 60, 6.25 देख लीजिए है कहीं पे क्या? 6.25 देख लीजिए है कहीं पे क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो मेरे मित्र किसी भी फ्यूज का रेटिंग भी आप इस फॉर्मूला के सहारे निकाल सकते हैं कि जो फ्यूज है वो कितना आपका रेटिंग का होना चाहिए। मतलब यहां पे जो कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है, तो इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी। तो इस इलेक्ट्रिक केतली को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए जो हमें फ्यूज खरीदना होगा उस फ्यूज का रेटिंग कितना होगा सर, 6.25 एम्पियर का होगा। कितना का होगा? 6.25 एम्पियर का होगा। तो आप सभी इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। कंसेप्ट आपका सेम है और जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि धारा धर धर दौड़ेगा, सर आप सभी देख रहे होंगे कि धारा कैसे दौड़ रहा है। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहां पे 220 वोल्ट वोल्टेज को आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करना है। आप कहेंगे गुरु जी पी इक्वल टू वी आई कैसे, तो सर यहां पे हमारा वाट जो है वो 1100 है और साथ ही वोल्टेज कितना है 220 और आई निकालना है। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू 110 बटा 22, 22 पंच है 110 कितना होगा सर 5 एम्पियर हो जाएगा। बताइए अब ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो ना बनाइएगा, आप कहेंगे सर फूक के आ जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रस्थ होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाले धारा की गणना कीजिए। और मेरे मित्र मैंने आपको बहुत ही शिद्दत से ऐसे टाइप के सवाल को समझाया है, तो उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। आ गया मेरे मित्र वो सवाल जिसका कंसेप्ट आपने कल के सेशन में सीखा था। क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। मेरे मित्र मैंने आपको कल क्या बताया था कि एक कुलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या बताया था, तो सर फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको किसी भी आवेश में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्ञात करना हो तो Q इक्वल टू आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन ई लगाएंगे, जहां पे एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है। भाई मेरे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या कहिएगा, Q बट्टा ई कहिएगा। अच्छा Q का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहते सर आई टी होता है, तो आई टी बट्टा ई अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। मेरे मित्र क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। आप कहेंगे सर टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को आई टी बटा ई से निर्धारित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर एन इक्वल टू क्यू बटा ई होगा, तो हम लोग क्यू इक्वल टू आई टी लिखते हैं तो आई टी बटा ई हो जाएगा। क्या कहिएगा सर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि दो प्रतिरोधक, ध्यान देंगे कि ये 1092 नहीं है सर और ये 2052 नहीं है, ठीक है, ये आपका 10 ओम है और साथ ही साथ ये आपका 20 ओम है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को भी हम होमवर्क क्वेश्चन के रूप में आप सबों के सामने छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम होमवर्क क्वेश्चन के रूप में आप सबों के सामने छोड़ेंगे, कोई लाग लपेटा नहीं है। क्या कहोगे, 10 और 20 30 हो जाएगा और यहां पे 6 वोल्ट बैटरी है तो I इक्वल टू क्या कहिएगा, वी बटा आर 6/30। बहुत सारे मित्र अभी भी कहेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेरे मित्र आप सभी इसको एक बार अपने से सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और सही आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि विद्युत धारा निकालने के लिए अभी आपने जितने भी क्वेश्चन को सीखा है अब अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको फूंक देंगे तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।